जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, आर्मी फील्ड हॉस्पिटल साउथर्न कमांड झांसी ने हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है, 50 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। और अगर आप 10th पास आउट हैं, यानी कि अगर आप 10वीं पास है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों उसे कैसे फिल कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर लें। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, लेट स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। हालांकि 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में सभी डिटेल चाहिए, जैसे कि इसकी डेट, इसकी फीस, इसकी टोटल वैकेंसी और दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस, तो सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, उसी लिंक से आप इसकी सभी डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे फिल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा 431 फील्ड हॉस्पिटल साउथर्न कमांड। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट निकली है, जो कि हेल्थ इंस्पेक्टर की है। तो आप यहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। आपकी फोटो दोस्तों सेल्फ प्रोटेक्टेड, यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद ये एड्रेस दिया हुआ, इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन लेटर सेंड करना होगा। अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 6 जून, यानी कि 6 जून 2022 से पहले आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, पहले हिंदी में और इसके बाद इंग्लिश में। इसके बाद अपने फादर या फिर हस्बैंड का नाम लिखेंगे, इसके बाद आपकी मदर का नाम, और दोस्तों इसके बाद आपकी DOB, आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो दोस्तों आपके सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट डेट के दिन, यानी कि जो लास्ट डेट है, यानी कि दोस्तों 6 जून को आप कितने ईयर्स के, कितने मंथ्स के, कितने डेज के होंगे, ये जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। दोस्तों आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है, आपकी जन्म डेट यानी कि DOB से लेकर 6 जून 2022 तक आप कितने ईयर्स के, कितने मंथ्स के, कितने डेज के होंगे, ये जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। हालांकि दोस्तों, अगर आपको उम्र कैलकुलेट नहीं करनी आती है तो इसका हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और एज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी बतानी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जर्नल, OBC, SC, ST, EWS, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का नाम लिखेंगे। दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, जैसे कि OBC, SC, ST, EWS, इनसे बिलोंग करते हैं, तो इसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना होगा। नेशनलिटी में आपको सिर्फ इंडियन लिखना होगा। इसके बाद रिलीजन में आप हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, जो भी है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपका एड्रेस पूछा गया, यानी कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दो पूछे गए, यानी कि अगर आपके पास 2 एड्रेस हैं तो दोनों अलग अलग फिल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों सेम एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। आपका विलेज, टाउन, सिटी जहाँ पर आप रहते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस, स्टेट, आपके मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और आपकी मेल ID भी आपको यहाँ पर डालनी होगी। और इसी के साथ देखिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको पॉइंट नंबर 8 में फिल करनी है। 10वीं पास आप हैं या 12वीं पास है, आप जो भी पास है वो यहाँ पर फिल करेंगे। किस ईयर में पास की है, किस यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से पास की है, कितने परसेंट मार्क्स थे, डिवीजन क्या था, और दोस्तों रिमार्क्स में चाहे तो आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सभी जानकारी दोस्तों आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से सही होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, वो भी आपको अटैच करनी होगी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आपने कहीं पर काम किया है, तो दोस्तों वो भी आप इसी के साथ अटैच कर सकते हैं। और दोस्तों सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि उन पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अब इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि अगर आपने कहीं गवर्नमेंट में नौकरी की है, तो दोस्तों आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपके ऑफिस का एड्रेस, आपके पोस्ट, किस पोस्ट पर आपने काम किया था, आपका पे स्केल क्या था, आपकी डेट ऑफ एंट्री यानी कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी क्या थी, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसी के साथ देखिए, ये डिक्लेरेशन दी गई है, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और दोस्तों नीचे चलकर देखिए, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। देखिए पहला जो पॉइंट है, इसमें आपको बताया गया 3 फोटोग्राफ आपको डालने होंगे, तीनों फोटोग्राफ दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद फीस के बारे में यहाँ पर बताएगा, आपका पोस्टल ऑर्डर या फिर DD नंबर जो है किसके फेवर में है। तो दोस्तों फेवर की जानकारी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दोस्तों वैसे भी मैं आपको बोलकर भी बता देता हूँ,
REGRT फंड अकाउंट 431 फील्ड हॉस्पिटल अकाउंट नंबर 11128511799 IFSC कोड ISBIN00152 08। तो दोस्तों इस एड्रेस पर जो है सॉरी इस फेवर पर जो है आपका अपना पोस्टल ऑर्डर जो है जारी करना होगा। पोस्टल ऑर्डर का नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा या फिर DD का यहाँ पर आपको डेट डालनी होगी। इसी के साथ कॉलम नंबर 3 में आपको संख्या लिखनी है यानी कितने सर्टिफिकेट आपने अटैच किए हैं, 3 किए हैं या फिर 4 किए हैं या फिर 5 किए, जितने किए हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। ये सभी जानकारियाँ दोस्तों फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अंगूठा लगाना है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो लेफ्ट थंब और अगर आप फीमेल है तो राइट थंब इंप्रेशन आपको डालना होगा। इसके बाद आपका सिग्नेचर और दोबारा से आपको अपना नाम लिखना होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल ईजी सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सिविलियन ग्रुप सी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड आर्मी। टोटल जो 58 वैकेंसी यहाँ पर जो हेल्थ इंस्पेक्टर की निकाली गई है। आगे चलकर इसके रिलेटेड जो है सभी जानकारी भी दी गई है। दोस्तों आप इसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका जो है एग्जाम के बारे में भी बताया गया है। टोटल 4 टाइप के आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 150 मिनट के सॉरी 150 नंबर के होंगे। टाइम ड्यूरेशन जो 2 घंटे का रहेगा। आपका जो पेपर है दोस्तों बाईलैंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है इस वैकेंसी की सभी डिटेल्स हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर से अप्लाई कीजिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। और दोस्तों इसका जो पोस्टल एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।